बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें सिगरेट नोशी के नुकसानात और होम्योपैथिक में इसका इलाज, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको सिगरेट नोशी और इसके नुकसानात के बारे में बताऊँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिकॉलोजी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मौजूदा दौर में तंबाकू नोशी एक फैशन के तौर पर लोग इसका शिकार हो जाते हैं और अपनी सेहत का नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, सिगरेट पीने की वजह से जो नुकसान देखने में आते हैं उनमें खसूसी तौर पे लंग्स यानी फेफड़ों की तकलीफ होती है, फेफड़ों में सोजश हो जाती है, फेफड़ों की नालियों में दर्द शुरू हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है और इसके साथ साथ मरीज की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों, जब लंग्स के अंदर तकलीफ शुरू होती है तो मरीज हर वक्त खांसी, उसको सांस की तकलीफ और उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से और कई अलामत जिस्म में पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, सिगरेट नोशी को तर्क करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अहम मेडिसिन पाई जाती हैं, जिनके इस्तेमाल करने से इंसान सिगरेट नोशी को तर्क करता है। आपको मालूम है कि सिगरेट नोशी जो कि सेहत के लिए मुजर है, इसको जरूर छोड़ना चाहिए और अपनी सेहत को बहाल करना चाहिए, जिसके लिए होम्योपैथी आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको वो मेडिसिन जिससे सिगरेट नोशी को छोड़ा जा सकता है उसके बारे में बताता। दोस्तों, होम्योपैथिक में एक दवाई एवीना स्टाइवा, जो कि लोग सिगरेट नोशी बहुत ज्यादा करते हैं और उसकी वजह से उनमें उफ्ते मुदाफियत कम हो जाती है, जिस्मानी कमजोरी हो जाती है और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनकी नींद खराब हो जाती है, तो उनके लिए एवीना स्टाइवा बहुत ही काम की दवाई है। दोस्तों, इसका तरीका इस्तेमाल, एवीना स्टाइवा मदर टिंचर में 10 कतरे दो घूंट पानी में दिन में 3 दफा लेने से इंशाल्लाह बहुत फायदा होता है। दोस्तों, नंबर 2 पे जो मेडिसिन वो है ग्राइंडिलिया। ग्राइंडिलिया ऐसे लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं और उनमें सीने की तकलीफ शुरू हो जाती है, सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है और मुसलसल खांसी उनको आती रहती है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, ऐसे लोगों के लिए ग्राइंडिलिया बहुत ही अहमियत की हामल दवाई है। दोस्तों, ग्राइंडिलिया का तरीका इस्तेमाल, ग्राइंडिलिया मदर टिंचर में 10 कतरे दो घूंट पानी में दिन में 3 दफा लेने से सिगरेट नोशी करने वाले इंसान की खांसी को बहुत ज्यादा फायदा देती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन वो है पैसी फ्लोरा। ऐसे इंसान जो कि सिगरेट नोशी बहुत ज्यादा करते हैं और उनकी नींद खराब हो जाती है और उनके जिस्म में बेचैनी, कुव्वते मुदाफियत की कमी, नींद की कमी और उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए पैसी फ्लोरा बहुत ही फायदेमंद दवाई है और पैसी फ्लोरा लेने से उनकी सिगरेट की ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है। इसका तरीका इस्तेमाल, पैसी फ्लोरा मदर टिंचर में 10 कतरे दो घूंट पानी में दिन में 3 दफा लेने से बहुत फायदा होता है। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको एवीना स्टाइवा के बारे में बताया, एवीना स्टाइवा और पैसी फ्लोरा दोनों एक ही पानी में 10-10 कतरे भी लिए जा सकते हैं और बहुत फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन टबैकम है। जो लोग सिगरेट की ख्वाहिश या चेन स्मोकर हो चुके होते हैं उनके लिए टबैकम बहुत ही फायदेमंद दवाई है। टबैकम का तरीका इस्तेमाल, इसको 200 में रोजाना 5 कतरे दो घूंट पानी में कुछ दिन इस्तेमाल करने से सिगरेट नोशी को तर्क किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन जंजीबेरस। बाज लोग जो सिगरेट नोशी के आदि होते हैं उनका मैदा और लंग्स दोनों अलामत पाई जाती हैं, यानी मैदे में गैसेस और लंग्स में सोजश और तकलीफ शुरू हो जाती है, तो ऐसे में जंजीबेरस लेने से उनकी मैदा की अलामतें और लंग्स की अलामतें यानी फेफड़ों की अलामत, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों,
ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और अगर आपने कोई इसके मतलब पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में सकते हैं। अस्सलाम।